लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। गाइस, अभी के टाइम पे आपको बहुत सारे 5G स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं अंडर 15,000, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। जो फ़ोन मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस मिल जाता है, जैसे कि आपको पावरफुल एंड स्मूथ गेमिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 5G नेटवर्क का कनेक्टिविटी, टॉप लेवल का कैमरा और सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। और सभी स्मार्टफोन्स में कुछ कमी है जिसको कि मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपका कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूंगा कि किस यूज़र के लिए कौन सा स्मार्टफोन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो हमारे लिस्ट में 5th नंबर में रैंक करता है वो है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10T 5G। ये स्मार्टफोन 10-15 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। अभी तक का ये स्मार्टफोन रेडमी की तरफ से काफ़ी सस्ता 5G फ़ोन है। इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस भी देखने को मिलता है, जिससे कि आप इसमें एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो या फिर आप दो सिम यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी इसमें आपको देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन IPS डिस्प्ले के साथ आता है और गेमिंग में ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और काफ़ी अच्छी स्मूथनेस आपको इसकी डिस्प्ले से मिल जाती है। 5000mAh का बैटरी मिल जाता है और इसके साथ इसको चार्ज करने के लिए 22.5W का इनबॉक्स चार्जर भी मिल जाता है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है और इसका जो मेन कैमरा है वो 48MP का है और इसके फ्रंट में लगा है 8MP का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। और भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है वो कैमरे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करते हो आपके लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 700U चिपसेट का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 7nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मतलब कि गेमिंग के वक्त काफ़ी कम बैटरी लेगा एंड गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। 4GB और 6GB का दो रैम स्टोरेज मिल जाता है और 64 एंड 128GB का स्टोरेज ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके 4/64 का जो प्राइस है वो है 14,000 रुपये और 6/128 का प्राइस है वो है 16,000 रुपये। और अगर आपको गेमिंग के साथ साथ 5G नेटवर्क चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं 4th नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके गजब बेइज्जती है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो जो 4th नंबर में रैंक करता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 30 5G। ये स्मार्टफोन 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है और इस प्राइस रेंज में कोई भी स्मार्टफोन इतने बैंड सपोर्ट नहीं करता है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया हुआ है और इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसमें दिया हुआ है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। अब इसमें हाई रिफ्रेश रेट दिया हुआ है तो आपको गेमिंग में भी काफ़ी स्मूथनेस मिलने वाला है। 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है और इसके साथ आपको 18W का इनबॉक्स चार्जर भी मिलता है। MediaTek Dimensity 700U चिपसेट का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि गेमिंग में काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप इस स्मार्टफोन में PUBG, COD जैसे गेम्स को काफ़ी स्मूथली खेल पाओगे। इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि इसका जो मेन कैमरा है वो 48MP का है और इसके फ्रंट में लगा है 16MP का सेल्फी कैमरा। इसमें आपको एवरेज लेवल का कैमरा मिल जाता है और ये स्मार्टफोन कैमरे के लिए नहीं है। तो अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो आप ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी मत लेना।
दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हो और इसके साथ आपको 5G नेटवर्क चाहिए तो इस स्मार्टफोन की तरफ आप जा सकते हो। इसके 464 का प्राइस है वो है 14,000 रुपये एंड 6128 का प्राइस है वो है 16,000 रुपये। तो दोस्तों अगर आपका बजट जो है वो कम है तो आप 464 का जो वेरिएंट है उसको ले सकते हो। मैम आई डोंट नो के डबल सवारी लगी है, आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो, आई सी दिस न्यूज बट आई डोंट सी, यस आती है बट मैं बताना। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर में रैंक करता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी 8 5G। और इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एकदम सेम टू सेम आपको रियलमी नार्जो 35G जैसे ही हैं। बस आपको इसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें आपको 2-3 नेटवर्क बैंड कम मिलते हैं और ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट के साथ आता है, 4GB प्लस 64GB, 4GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 128GB। और इस स्मार्टफोन में आपको 6GB का वेरिएंट देखने को नहीं मिलता है, और अगर इसमें 6GB का वेरिएंट देखने को मिलता तो ये स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ा हो जाता है। इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया हुआ है और इसके साथ आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 5000mAh का बैटरी दिया हुआ है और इसको चार्ज करने के लिए 18W का इनबॉक्स चार्जर भी आपको मिल जाता है। MediaTek Dimensity 700U चिपसेट का प्रोसेसर दिया हुआ है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है और जो इसका मेन कैमरा है वो 48MP है और इसके फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 16MP का इन डिस्प्ले कैमरा। इसमें आपको 3 वेरिएंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसके 4GB प्लस 64GB का प्राइस है वो है 14,499 रुपये और 4GB प्लस 128GB का प्राइस है 15,499 रुपये और 8GB प्लस 128GB का प्राइस है वो है 17,499 रुपये। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है वो मत खरीदना, क्योंकि उस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी सारे पावरफुल स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो जो हमारे लिस्ट में सेकेंड नंबर में रैंक करता है वो है पोको की तरफ से पोको M3 Pro 5G। और दोस्तों इसका जो स्पेसिफिकेशन है एकदम सेम टू सेम Redmi Note 10T 5G जैसा ही है। 6.5 इंच का फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 5000mAh का बड़ा बैटरी मिल जाता है और इसको चार्ज करने के लिए इसके साथ 18W का इनबॉक्स चार्जर भी आपको देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन 22.5W का चार्जर सपोर्ट करता है। इसके बैक में आपको 48MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है और इसके फ्रंट में आपको 8MP का कैमरा मिलता है। यहाँ पर आपको एड्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वही Redmi Note 10T में आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि आपको ये स्मार्टफोन एकदम क्लीन एक्सपीरियंस देने वाला है। और ये स्मार्टफोन भी 4K को सपोर्ट नहीं करता है। इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 700U का 5G प्रोसेसर मिल जाता है और ये प्रोसेसर MediaTek Helio G95 से काफ़ी अच्छा है, तो इसमें आपको गेमिंग के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। और इसमें आपको 4GB एंड 6GB का रैम ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको 64GB एंड 128GB का स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके 464 का प्राइस है वो है 13,999 रुपये, मतलब कि 14,000, और इसके 6128 का प्राइस है वो है 15,999 रुपये, मतलब कि 16,000 रुपये। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है। और गाइस अगर आपको एड फ्री स्मार्टफोन चाहिए 5G नेटवर्क और बढ़िया प्रोसेसर के साथ तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। सॉरी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब बात कर लेते हैं पहले नंबर के स्मार्टफोन के बारे में। तो जो ये स्मार्टफोन है ये मेरा फेवरेट है। तो जो पहले नंबर में रैंक करता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 30 Pro 5G। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है अंडर 15,000, और अभी ऑफर के चलते इसका जो प्राइस है वो कम है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो कभी भी बढ़ सकता है। ये स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आता है, 3.5mm का हेडफोन जैक भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस भी मिलता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 के साथ आता है।
अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। और गाइस इस स्मार्टफोन में सबसे अच्छा ये है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे कि आपको फ़ोन यूज़ करते वक्त और गेमिंग करते वक्त काफ़ी मक्खन वाली फीलिंग आने वाली है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। 5000 mAh का बड़ा बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाता है और उसको चार्ज करने के लिए 30 वाट का इनबॉक्स चार्जर भी आपको मिल जाता है, जो कि इस स्मार्टफोन को 0 to 100% चार्ज करने में सिर्फ 65 मिनट लगाता है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है और इसके फ्रंट में लगा है 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। भाई इसमें आपको एवरेज लेवल का कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करो अदर 5G फोन से जो कि इस प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, तो ये स्मार्टफोन का कैमरा बेस्ट है। और इसमें आपको 4K का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है 30 FPS के साथ। मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U चिपसेट के साथ आता है, तो आप इस स्मार्टफोन में काफ़ी पावरफुल गेमिंग कर सकते हो। आप तगड़े से तगड़े गेम को हाई सेटिंग पे खेल सकते हो। और इस स्मार्टफोन का 6GB and 64GB का वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है, जिसका की प्राइस है 16,000 रुपये। इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी तगड़े स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इसके टक्कर का कोई भी स्मार्टफोन नहीं मिलता है 15,000 के अंदर। इसमें आपको टॉप लेवल का स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, तो आपको इस स्मार्टफोन से टॉप लेवल का परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 15,000। और सभी स्मार्टफोन का बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको पसंद है तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फोन आ गया सर का, कृपया व्यस्त है सर। आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे, ये सागर नहीं मेरे हम जैसे, जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने।